नमस्कार, मैं आशीष और आप सभी का स्वागत है एसएन न्यूज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली यानी कमिश्नर सिस्टम को लागू करने की घोषणा सोमवार को कर दी है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। इसके तहत अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर की तैनाती की जाएगी। डीजी स्तर का अधिकारी पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्य करेगा। उनके साथ दो ज्वाइंट कमिश्नर भी तैनात होंगे जो आईजी स्तर के होंगे। इसके साथ ही अब महिला अपराधों पर रोकथाम के लिए भी दोनों जगहों पर एक एक महिला पुलिस अधिकारी की तैनाती होगी। यातायात के लिए भी अलग पुलिस अधिकारी होंगे। वहीं नोएडा में दो पुलिस थाने बनाए जाएंगे और लखनऊ के 40 पुलिस थाने आयुक्त के तहत होंगे। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने से क्या होगा? आपको बता दें कि पुलिस को पर्याप्त अधिकार के साथ पर्याप्त जवाबदेही वाला कानून लागू हो जाएगा। अब दंगियों उपद्रवियों के बुरे दिन बल प्रयोग के लिए पुलिस को नहीं करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट का इंतजार। अब जो दंगा करेगा, उपद्रव करेगा, आम जन और पुलिस पर हमला करेगा, सार्वजनिक संपत्ति को बर्बाद करेगा, उससे सीधे निपटेगी पुलिस। पुलिस ने भी लागू होगा सिंगल विंडो सिस्टम। अब गुंडों, माफिया, सफेदपोशों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट के कार्यालय में नहीं भटकना पड़ेगा। अब पुलिस के पास ये हक होगा कि वो गुंडों, माफिया और सफेदपोशों को टारगेट कर उनके खिलाफ कार्रवाई को पूरा अंजाम दे। अपराधियों, माफिया और सफेदपोशों के अलसों के लाइसेंस कैंसिल करने के लिए भी पुलिस के पास सीधे अधिकार होंगे। 151 और 107 और 116 जैसी धाराओं में पुलिस को गिरफ्तार कर सीधे जेल भेजने का अधिकार होगा। आमजन के हित के फैसले में नौकरीशाही का मकड़ा जाल खत्म होगा। कमिश्नर सिस्टम से बढ़ेगी पुलिस की जवाबदेही कार्रवाई। थाने स्तर पर आम लोगों की सुनवाई और बेहतर हो जाएगी। और इसी के साथ साथ पुलिस की गड़बड़ी पर भी होगा अंकुश। पहले भी चंद समय के लिए लागू हुआ था कमिश्नर सिस्टम। तीसरे पुलिस कमिश्नर धर्मवीर कमीशन की सिफारिश के बाद पूर्व सीएम राम नरेश यादव ने यूपी में कमिश्नर सिस्टम लागू किया था। वासुदेव पंजानी को बनाया था कानपुर का पुलिस कमिश्नर, लेकिन उनके काम शुरू करने से पहले ही वापस ले लिया गया था कमिश्नर सिस्टम का फैसला। इसके बाद यूपी में कभी लागू नहीं हो पाया कमिश्नर सिस्टम। इसी के बाद प्रदेश की नौकरीशाही ने मान लिया था कि यूपी में कोई भी सरकार नहीं ले पाएगी ये प्रतिक्रिया फैसला। आपको बता दें 15 राज्यों के 71 शहरों में ये सिस्टम लागू है। देश के 15 राज्यों में 71 शहरों में से जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ोदरा, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम आदि शामिल है, वहां ये सिस्टम लागू है और बेहतर तरीके से भी काम कर रहा है। बहरहाल अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश, जिसे देश का सबसे बड़ा प्रदेश कहा जाता है, जहां पे महिलाओं के प्रति बहुत ही अपराध होते रहते हैं, लूटपाट, छीनाछानी, ये सारे चीजें अपराध चलते रहते हैं, ये कार्रवाई सिलसिला चलता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि ये पुलिस आयुक्त सिस्टम यानी कि कमिश्नर सिस्टम लागू होने से क्या वहां इन चीजों पे रोक लगेगी? क्या महिला वहां पे खुल के सांस ले पाएगी, एक बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी जी पाएगी? क्या वहां पे चोरी चकारी, लूटपाट जैसे मामले शांत हो जाएंगे? क्या योगी सरकार और पुलिस का ये बड़ा कदम एक नया मोड़, एक नई सुरक्षा, एक नया कदम बना पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जो लोग एसएन न्यूज पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं आशीष झा, एसएन न्यूज, धन्यवाद। और इसी के साथ साथ आप सभी को एसएन टीम की तरफ से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं।